सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि इनसाइट में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, पानी की टंकी गिरने से 5 मजदूरों की मौत, कई घायल। बिहार और आंध्र के लिए 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, रेलवे लाइन के दोहरीकरण से यूपी को होगा फायदा। गाजियाबाद से भाजपा ने संजीव शर्मा को दिया टिकट, 2007 में ज्वाइन की थी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी चिन्ह को लेकर शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार को नोटिस जारी किया। देश की पहली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी 4 का अनावरण, समुद्र में दुश्मन पर बनेगी कहर। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, पुलिस पर पथराव, कई घायल, फोर्स ने किया लाठीचार्ज। लालकुआ, रुद्रपुर और लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, मावा और मिठाइयों के लिए सैंपल। गणेश कोतियाल का बयान, जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी ला रही सरकार, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत। खटीमा में 14 साल की किशोरी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपी निकले नाबालिग, बाल सुधार गृह भेजे गए। उत्तराखंड में इस बार नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइटर ऐप। जय हिंद।